साथियों, विकास की गति बढ़ाने के लिए आमतौर पर चार बातों पर ध्यान जाता है। टैक्स रेट में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, लेबर रिफॉर्म्स और डिसइन्वेस्टमेंट, इन सभी पहलुओं पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाने वाले हैं। इसी साल पर्सनल टैक्स को लेकर हमने बड़ा फैसला लिया और 5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। इससे हर महीने 40,000 रुपए से अधिक तक की आय वाले एक बहुत बड़े वर्ग को सीधा लाभ हुआ है, जबकि सेविंग्स के लिहाज से 70,000 रुपए तक मंथली इनकम वाले को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। यहां से हो रही बचत निश्चित रूप से इन परिवारों के बेटर टुमारो में मदद करने वाली है। इसी तरह कॉरपोरेट टैक्स में की गई ऐतिहासिक कटौती से भारत दुनिया की सबसे कम टैक्स दरों वाली अर्थव्यवस्था तो बनाई है, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है। टैक्स सिस्टम को सुधारने के लिए बिजनेसमैन और सिटीजन्स के साथ हैरेसमेंट की हर संभावना को समाप्त करने के लिए हाल में ई असेसमेंट स्कीम लागू की गई है। अब किस अधिकारी के पास इनकम टैक्स संबंधी आपकी फाइल जाएगी, ये न आपको पता होगा और न ही उस अधिकारी को पता होगा कि ये फाइल किसकी है। इतना ही नहीं, क्योंकि अफसर को ये पता ही नहीं होगा कि उसे किसका असेसमेंट करना है। तो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा पोस्टिंग मुंबई होना चाहिए, मेरा पोस्टिंग चेन्नई, किसी को यानी पोस्टिंग का जो एक प्रकार से व्यापार उद्योग चलता था पोस्टिंग ट्रांसफर का, उसका भागा गुणा भी अब समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर होने वाला यह है कि टैक्स असेसमेंट के बीच में जो खेल होते थे, इन खेलों के बहाने आम लोगों को जो दिक्कतें आती थी वो अब खत्म हो जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इस वर्ष भी टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में फिर से एक बार हमने अचीव किया है। बीते 5 वर्षों में हमने 79 रैंक का सुधार किया है। और मुझे बराबर याद है कि पिछली बार मुझे जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग आए तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने स्पेशली मुझे फोन किया था, बोले ये रैंकिंग तो आते हैं लेकिन मेरे लिए बोले खुशी की बात है कि इतना बड़ा देश, वो भी डेवलपिंग कंट्री, और वे इतना बड़ा सुधार करे और लगातार करता रहे, ये बोले वर्ल्ड बैंक के पास ऐसी कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है जो पहली बार इंडिया ने किया। वो फोन करके बताया। जहां तक लेबर रिफॉर्म की बात है तो दशकों पुराने दर्जनों कानूनों को 4 कानूनों में कोडिफाई किया जा रहा है, दशकों कानूनों को, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के हितों की पूरी रक्षा होगी, दोनों का लाभ होगा। अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हाल में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि उस दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।